सुनने आया था, मैं एक्चुअली बहुत देर से सुन रहा था सबको। हम लोग सुनाई दे रहा है सबको, मैं यहाँ बस सुनने आया था एक्चुअली, क्योंकि हम लोग की उम्र हो चुकी है। हम लोग क्या ना, हम लोग अपने इतने स्वार्थी हो चुके हैं कि हम लोग अपने काम में घुस चुके हैं। एक पॉइंट आया था मेरी लाइफ में जब मेरे को लगा कि यार अभी किसी को सुनना नहीं है, अपना काम मैं कह रहा हूँ कि एक समय ऐसा आया था जब मुझे लगा कि मुझे अपना काम देखना चाहिए। मैं पैसे कमा रहा हूँ अच्छे खासे, अपने घर वालों को बचाऊ, मैं क्या दुनिया के बचने पड़ा, ट्विटर छोड़ के चला गया। वो एक बच्ची का वीडियो जो मैंने देखा जामिया में, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं वापस आऊं। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, मैं आप लोगों को फॉलो कर रहा हूं क्योंकि मुझे जो दिख रहा है कि जो अगली जो पूरी पीढ़ी आने वाली है, जो जो हमारे अगले लीडर्स आने वाले, वो यहाँ पे है। मैं ऑलरेडी 3-4 तो देख चुका हूँ। वो लड़की यहाँ कहीं बैठी है जो बार बार खड़ी होती है, जिसने इंस्टाग्राम हैंडल बनाया। एक वो हाँ, मैंने एक सरदार जी देखे जो आके जिस प्यार से समझा रहे थे, मैंने कहा इतनी समझ तो मुझे भी नहीं जिस प्यार से वो समझा रहे हैं। ये पुनीत की मैं पोएम सुना, इसको मैं समय से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी इसके मुंह से ये पोएम नहीं सुनी थी। मैं यहाँ पे खड़ा होकर सिर्फ सीख रहा हूँ। मैं भूल चुका था कि क्या होता है ये जो जज्बा रोज देख रहा हूँ यहाँ पे। मैं अपनी बेटी को वहां पे फोन करा था, मैंने कहा तुम कहाँ हो, तुमको यहाँ होना चाहिए। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। मैं बस इतना कहूंगा, आप लोग जो कर रहे करते रहो, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं जान दे दूंगा, लड़ लूंगा आप लोग के लिए। लेकिन आप लोग हमें दिशा दिखाओ, मेरा काम करूंगा पीछे खड़े होकर। आप लोग हमें डायरेक्शन दो, बिकॉज हम इतने सेफ हैं, हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, हम सेफ हैं, हम अपने आप को बचा सकते हैं। हमारे पास ऐसा है कि हम तो इंडिया छोड़ के बाहर कहीं रह लें। लेकिन और मैं चला ही गया था, मैं लौट के आया हूँ सिर्फ देख के जो हो रहा है यहाँ पे। तो हम तो आप हमें डायरेक्शन दो, हम पीछे खड़े हैं। बाकी मैं वहां खड़ा के सिर्फ सुनना चाहता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं और क्या जज्बा है ये देख के। पता नहीं अंदर से एक वापस कुछ और आ रहा है, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं, मैं सुनना चाहता हूँ। बाकी बस इतना बोलूंगा कि ये लड़ाई लंबी है। एक ही चीज मैं बोलूंगा जो मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक चीज जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ, कि ये लड़ाई बहुत लंबी है, ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है। हम ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो सरकार में है, हम लोग सरकार में ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो एक्चुअली बहुत ज्यादा अनपढ़ है। और आसिफ अनपढ़ है, वो उनको खुद अपने अनपढ़ होने पर इतनी शर्म आती है कि वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो पढ़े लिखे हैं। और ऐसे लोग नहीं, ऐसे इसमें ताली बजाने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसे लोग इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि वो जिद्दी होते हैं, वो बहुत ज्यादा उनका ईगो जो है इतना बड़ा होता है कि उनके लिए हार मानना मतलब एक्सेप्ट करना कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी झूठ बोला है, क्योंकि वो मुंह बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, कि आज तक उन्होंने जो कुछ भी बोला है उनके लिए वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो सब गलत था। तो ऐसे लोगों से लड़ना ज्यादा खतरनाक होता है, जब आपके सामने वाला दुश्मन जो है या आपके सामने जो खड़ा है, जो आपको दबाना चाहता है, अगर वो रीजनेबल है आप उसे डिबेट कर सकते हो, लेकिन जिस आदमी से आप डिबेट नहीं कर सकते हो, जिस आदमी से बहस नहीं कर सकते हो, जो बात करने से डरता है, उससे लड़ाई लंबी है, उससे लड़ाई ज्यादा खतरनाक भी है।
क्योंकि वो आदमी जो अभी मिलिंद जी आप बोल रहे तो उस आदमी के पास बहुत सारे हथियार हैं। वो आदमी आप उस आदमी के अंदर ना एम्पैथी है ना सिंपैथी है, उसको समझ में नहीं आता कुछ, उसके अंदर कोई भावना ही नहीं, वो भावना ही नहीं, वो आपको किसी भी तरह से अटैक करेगा क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, वो है जीतना। तो ये लड़ाई लंबी है, ये लड़ाई हम लोग जोश में हंस के मजाक में टाल नहीं सकते, ये लगे रहना है। और ये छोटी बिल्कुल भी नहीं है, और ये आपको समझना पड़ेगा कि वो कहीं भी कुछ भी होगा, जहां भी होता है वो सिर्फ चुनाव के दौरान होता है, जहां चुनाव होने वाले थे वहां पे वो लोग इस तरह से करते हैं। हम लोग किस्मत वाले हम लोग सुरक्षित हैं क्योंकि यहां पे उनकी सरकार नहीं है। तो ये छोटी लड़ाई नहीं है, और इसमें बहुत सही बोला उन्होंने, वो कितना भी आपको विचलित करें आपको उनके जैसा नहीं होना है, वो उनके जैसा होने का काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ आप लोग करिए, मैं विशाल है यहाँ पे, अंकुर जिन्होंने गली बॉय का सारा म्यूजिक किया, आपको राशन डाला जिन्होंने मर्द को दर्द नहीं होता बनाई, तो वहां करे सारे लोग हैं यहाँ पे, और हम लोग सब देखने आए हैं आप लोगों को। ये आपका समय है, ये आपकी आवाज है, मैं इसको हाईजैक नहीं करना चाहता हूँ, मैं वापस अपनी जगह वापस जाना चाहता हूँ।